हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी के नए इस तीसरे रियलमी ची फ़ोन के बारे में। और अभी अभी मैंने इसे परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। और सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पे कुछ प्राइसिंग वगैरह मेंशन की गई है बॉक्स के ऊपर। प्राइसिंग की अगर बात करें तो जो बेस वेरियंट है इसका 3 GB और 32 GB स्टोरेज के साथ, जो कि आपको मिलता है 8,999 रुपये में। वहीं दूसरा जो वेरियंट आपको मिलता है वो 4 GB और 64 GB स्टोरेज के साथ, जो कि आपको मिलता है 10,999 रुपये का। सो दो नए वेरियंट इसमें आए हैं। फिलहाल अभी 3 GB वेरियंट अवेलेबल है फ्लैश सेल में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं फ्लैश सेल में। तो करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं अंदर क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं रियलमी जी बॉक्स के साथ। तो इस तरह से कुछ ओपन हो रहा है ये बॉक्स। ओके, सो इसमें अभी कुछ अब सील नहीं लगाया गया है इसमें। वैसे फोन की अगर बात करें तो फोन देखने में तो काफी अच्छा था। तो बॉक्स के सबसे ऊपर हमें मिलता है ये एक छोटा सा बॉक्स। इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ पेपर गाइड्स होंगे। और यहाँ जी ये सामने आप देख पा रहे हैं सिमजेक्टर टूल जो है उसका आइकन बना हुआ है। उसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सामने की तरफ एक सिमजेक्टर टूल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रखते थे इसको साइड में और देखते हैं बाकी अंदर क्या है। अच्छा, तो आपको अंदर एक मिलता है एक TPU केस, साथ में कुछ पेपर गाइड्स जिसको कि आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, वैसे कुछ जरूरत होती नहीं। और यह एक TPU केस था। बाकी सभी जो रियलमी फ़ोन है सभी में आपको मिलता है ये, और इस वाले नए फ़ोन के साथ भी आपको यह TPU केस मिलता है, तो एक अच्छी बात है। तो रखते हैं इसको साइड में और निकालते हैं अपने फ़ोन को। ओके, सो ये हमारा जो फ़ोन है, स्क्रीन साइज़ अगर इसकी बात करें तो आपको 6.3 इंच का एक HD+ डिस्प्ले इस पर आपको मिलता है। वहीं अगर फ़ोन के बाकी इसकी बात करें तो आपको इसमें Helio P60 का नया ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है अगर कंपेयर करें Helio P60 के अकॉर्डिंग, तो उसी का नेक्स्ट वर्जन है वैसे। बॉक्स के बाकी कंटेंट में आपको मिलता है एक चार्जर, जो कि नॉर्मल सा चार्जर है। उसके अगर रेटिंग की अगर बात करें तो आपको मिलता है 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का सपोर्ट, यानी कि 10 वोल्ट का एक चार्जर मिल जाता है आपको और रियलमी की ब्रांडिंग के साथ। अगर USB केबल की बात करें तो आपको इसमें USB आपको मिलता है, एक USB to Micro USB टाइप सी होप कर रहा था मैं, बट आई होप कि नेक्स्ट जो भी एक और फ़ोन लॉन्च होने वाला है रियलमी 3 प्रो, तो उसमें रियलमी जो है टाइप सी सपोर्ट ज़रूर देगा। चलिए रखते हैं सबको साइड में और देखते हैं अपने मेन फ़ोन को। ओके, सो फ़ोन के अगर फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो पीछे की तरफ जो बैक पैनल है ये आपको मिलता है ग्लासी फिनिश के साथ और ब्लैक वेरियंट ब्लैक कलर में मैंने इसे मंगवाया है। वहीं अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पावर ऑन ऑफ बटन और कुछ भी नहीं है ऊपर की साइड, बिल्कुल खाली है। वहीं लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे एक सिम ट्रे, ठीक है, इसमें डेडिकेटेड है या फिर हाइब्रिड स्लॉट दिया गया। वैसे तो डेडिकेटेड स्लॉट ही होता है, जी हाँ, तो डेडिकेटेड स्लॉट आपको मिलता है इसमें और इसमें आप लगा सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड को 2 नैनो सिम के साथ, तो एक अच्छी बात है। बाकी सभी रियल फोन में भी यही आता है, तो इसको कंटिन्यू रखा है रियलमी ने। वहीं अगर साइड में आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ बटन और नीचे की तरफ बात करें तो बैक साइड नीचे की साइड में आपको मिलता है यहाँ पे एक स्पीकर व्हील, बगल में है यहाँ पे Micro USB पोर्ट और एक माइक आपको मिल जाता है यहाँ पे। वही साथ में आपको मिल जाता है 3.5 mm वाला जैक। तो ऊपर की तरफ खाली है, ऊपर की तरफ वैसे आपको सामने की तरफ से कैमरा मिलता है, जो कि आपको मिलता है 13 MP का रियर कैमरा। और बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ में मिलता है आपको एक 13 MP प्लस 2 MP का एक डेप्थ सेंसर वाला कैमरा और साथ में LED फ्लैश मिल जाता है आपको। और यहाँ पे जो है एक रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है नए तरीके से, ब्लैक कलर में मैंने इसे हुआ है, काफ़ी ग्लॉसी फिनिश लग रहा है इसका। तो चलिए कर लेते हैं इसको, हमें रिबूट कर लेते हैं, फिलहाल तो इसे रिबूट कर लेते हैं। फोन को
कर लिया मैंने बूट, और ये कुछ इस तरह से दिखता है आपको। इसमें जो सपोर्ट मिल जाता है वो मिलता है आपको कलर ओएस 6 का, और बाकी की अगर कलर ओएस 5 से इसका कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको मिल जाता है। लेआउट इसमें काफ़ी डिफरेंस है। वहीं इसमें एक नई चीज़ जो ऐड की गई वो है ये ऐप ड्रॉअर, इसमें ऐप ड्रॉअर इसमें ऐड किया गया है। वहीं और भी नए फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको ऊपर की तरफ जो आइकन मिल जाते हैं काफ़ी बड़े आइकन मिल जाते हैं। और अगर हम इसकी ओएस की बात करें, सपोर्टिंग ओएस की बात करें, तो इसमें एंड्रॉइड 9 आपको मिल जाता है कलर ओएस 6 के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहीं अगर फ़ोन के अगर बाकी की फंक्शन की अगर बात करें तो आपको 42-30 एमएच की एक बैटरी मिलती है, जो कि आपको पूरे दिन का बैकअप दे सकती है। कलर ओएस 6 जो है, फिलहाल तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा कम इसका ब्राइटनेस, ताकि आप भी देख पाएँ। और कलर ओएस 6 में जो आपको जो नए फंक्शंस देखने को मिलते हैं काफ़ी डिफरेंट है इसमें। अभी फिलहाल तो मैं इसके लिए नया वीडियो बनाऊंगा कलर ओएस 6 के लिए, जिसमें कि आपको मैं पूरा बता पाऊँ कि क्या क्या नया फीचर्स में ऐड किया गया है कलर ओएस 5 के मुकाबले। बट फ़ोन की अगर बात करें तो फ़ोन में रैम मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। फिलहाल तो P70 का प्रोसेसर इसमें दिया गया है, तो आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1,13,000 के आसपास या 1,19,000 के आसपास का एंड्रॉइड रेटिंग था। और फिलहाल तो मैं इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो है चेक कर लेते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर इसका कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो इसमें ऐड करते हैं ओके, सो अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ फिंगरप्रिंट। एक बार और करना पड़ेगा इसमें ओके, तो काफ़ी जल्दी हो गया है फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें। और वहीं अगर बात करें इसके टेस्टिंग की, फिंगरप्रिंट सेंसर की, काफ़ी फास्ट इसमें है, आप भी देख पा रहे होंगे। टच करने के बाद ही जैसे ही टच करते हैं ओके, सो बीच में कभी कभी ये पासवर्ड मांगता है। अभी थोड़ा सा नया फ़ोन अभी जस्ट इसे बूट किया है, हो सकता है स्पीड स्लो, बट काफ़ी फास्ट कहा जा रहा है इसको, वैसे जिन्होंने भी पहले टेस्ट किया है इसको। आपको कुछ सैम्पल शॉट दिखाऊंगा फोटोग्राफ्स की, ताकि जिससे आपके आप जज कर पाएँ कि इसका कैमरा सैम्पल जो है या कैमरा पिक्चर क्वालिटी है उसकी कैसी है। तो एंड में आप इसमें देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।